मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। आज मैं आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। हाफ कप मटर ले लिया है, एक गाजर को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, दो आलू काट लिया है और ये पत्ता गोभी चॉप कर लिया है, एक प्याज काट लिया है, दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, दो टमाटर काट लिया है। तो पत्ता गोभी आलू की सब्जी आज मैं कुकर में बनाऊंगी। इसमें मैं एक टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसी में हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, 1/4 टी स्पून सरसों दाना डाल रही हूँ, इसको चिटकने देती हूँ। मिर्ची अदरक जो काट लिया है उसको डाल देते हैं, इसी में प्याज डाल देती हूँ। देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को मिक्स करके थोड़ा सा इसको मैं पक जाने देती हूँ, ऐसे खुले में ही पका लेती हूँ, एक बार चला देती हूँ। अभी मैं इसी में मसाले डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैजिक मसाला है, होममेड है, इसको डाल देती हूँ। अभी मसालों को मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए ऐसे मैं मसालों को भी पकने देती हूँ, क्योंकि मसाले भी हमारे पक गए हैं इसी में और मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसमें ये गाजर और मटर डाल देती हूँ, पत्ता गोभी आलू काट ली हूँ ये भी इसी में डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देते हैं, ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए सब्जी में मसाले हमारे मिक्स हो गए अच्छे तरीके से। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ मैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये नमक भी हमारा इसमें मिक्स हो गया है। अभी कुकर का ढक्कन ऐसे ऊपर रख के इसको मैं 5 मिनट तक ऐसे सब्जी को गलने देती हूँ। सब्जी मैं अपनी चेक कर लेती हूँ, सब्जी हमारी अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया है। कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और इसकी विसल लगा के मीडियम आंच पे मैं एक सीटी आ जाएगा, 2 मिनट और मैं पका लूंगी, फिर गैस को बंद कर दूंगी। ये हमारी पत्ता गोभी गाजर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।